हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिनो। दोस्तों 2022 में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, उसमें से कुछ कार्ड बहुत ही अच्छे हैं, कुछ कार्ड बिल्कुल बेकार है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2022 में लॉन्च होने वाला कुछ अच्छे कार्ड के बारे में, जानेंगे बेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफ द ईयर 2022, ये अवार्ड कौन से क्रेडिट कार्ड को जाना चाहिए। पहले बात करते हैं 2022 में लॉन्च होने वाला कुछ अच्छे कार्ड के बारे में, और मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्यों मैंने ये कार्ड को इस लिस्ट में ऐड किया है। 2022 में लॉन्च होने वाला बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो पहला क्रेडिट कार्ड है SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड का एनुअल चार्जेस है 999 प्लस GST। इस कार्ड में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, पर इस कार्ड का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। इस कार्ड को यूज़ करके आप जितने भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करेंगे उसमें आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा। एक बिलिंग साइकिल में आपको मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ का कैशबैक मिल सकता है। यूटिलिटी बिल पेमेंट और ऑफलाइन स्पेंडिंग जो आपका होगा उसमें आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा, और उसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। जो 5% का कैशबैक कैटेगरी है उसमें 10,000 का कैपिंग है, और 10,000 कैपिंग खत्म हो जाने के बाद आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा, और उसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। और इस कार्ड को यूज़ करके एक साल में 2 लाख स्पेंड करने पे आपको नेक्स्ट ईयर का जो फीस है वो रिवर्सल मिल जाता है। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड है एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड का एनुअल चार्जेस है 500 प्लस GST। इस कार्ड को यूज़ करके एयरटेल मोबाइल, DTH, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, ये सारे बिल पेमेंट अगर आप करेंगे एयरटेल थैंक्स ऐप से तो आपको 25% का कैशबैक मिल सकता है, अप टू 300 रुपीज़ पर मंथ का। और यूटिलिटी बिल पेमेंट अगर आप करते हो, जैसे कि गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे बिल पेमेंट अगर आप करते हो एयरटेल थैंक्स ऐप से तो आपको 10% का कैशबैक मिल जाएगा, अप टू 300 रुपीज़ पर मंथ। और प्रेफर्ड मर्चेंट पे अगर आप खर्चा करते हो, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, ये 3 मर्चेंट है एक्सिस एयरटेल कार्ड का, तो ये 3 मर्चेंट में अगर आप खर्चा करेंगे तो आपको 10% का अप टू 500 रुपीज़ पर मंथ का कैशबैक मिल जाएगा, और बाकी सारे जितने भी आप स्पेंडिंग करेंगे उसमें आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा, और इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। इस कार्ड को यूज़ करके एक साल में 2 लाख या फिर उसके ऊपर स्पेंड करने पे आपको नेक्स्ट ईयर का फीस रिवर्सल मिल जाता है। इस कार्ड के साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि सही कैशबैक आपको नहीं मिलता, और एयरटेल थैंक्स ऐप में इस कार्ड को यूज़ करके कभी भी पेमेंट सही से नहीं होता। बहुत सारे प्रॉब्लम इन कार्ड के जो यूज़र हैं उनको फेस करना होता है। तो ये कार्ड अच्छा तो है, ऑन पेपर बहुत ही अच्छा है, पर मैं आपको उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बग्स है। नेक्स्ट कार्ड है इंडसन बैंक इजी डाइनर क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड का एनुअल चार्जेस है 1999 प्लस GST। इस कार्ड के साथ आपको इजी डाइनर प्राइम मेंबरशिप मिल जाता है जो कि हर साल आपके कार्ड के साथ रिन्यू होता है। तो इजी डाइनर प्राइम मेंबरशिप का जो भी बेनिफिट है वो तो आपको मिलेगा ही, ऊपर से इस कार्ड को यूज़ करके अगर आप इजी डाइनर के रेस्टोरेंट में जाके बिल पेमेंट करते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट अप टू 1,000 रुपीज़ एवरी टाइम आपको मिल जाएगा। इस कार्ड से आपको बिल पेमेंट करना होगा और आपको एवरी टाइम 25% अप टू 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है, मतलब अगर आप 200 रुपीज़ का भी बिल पेमेंट करते हो इस कार्ड को यूज़ करके तो आपको 25% का डिस्काउंट वहाँ पे भी मिल जाएगा। और इस कार्ड में आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं स्पेंडिंग पे, पर वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका मेन बेनिफिट है ये जो 25% का डिस्काउंट है वो। और इस कार्ड के साथ आपको मूवी के बेनिफिट भी मिलते हैं, इस कार्ड के साथ आपको लॉन्च एक्सेस भी मिल जाता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट है इस कार्ड का। तो उसको जानने के लिए इस कार्ड का जो डिटेल वीडियो है वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है एक्सिस एटलास क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड का एनुअल चार्जेस है 5,000 प्लस GST, और इस कार्ड को लेने के बाद आपको 5,000 एज माइल्स मिलता है, मतलब आप ईयर माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 ईयर माइल्स इसका वैल्यू होगा। और इस कार्ड को यूज़ करके आप एक्सिस ट्रैवल एज पोर्टल और एयरलाइन के वेबसाइट डायरेक्टली, अगर आप एयरलाइन के वेबसाइट से टिकट बुक करते हो या फिर एक्सिस ट्रैवल एज पोर्टल से टिकट बुक करते हो, ट्रैवल बुक करते हो, तो आपको 5 एज माइल्स मिलते हैं एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे, मतलब
10 ईयर माइल फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंट। और इस कार्ड को यूज करके आप जितने भी दूसरे स्पेंडिंग करेंगे एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे आपको 2 एज माइल्स मिल जाएगा, मतलब एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे आपको 4 ईयर माइल्स मिल जाएगा। ये कार्ड भी आप कंसीडर कर सकते हो। इस कार्ड में जो कोर रिवॉर्ड रेट था वो रिसेंटली अपडेट हुआ है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अट्रैक्टिव क्रेडिट कार्ड है आज के डेट में। सिटी प्रेस्टीज कार्ड में आपको इसी रेट में रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, तो ये कार्ड भी आप कंसीडर कर सकते हो। और जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल बुक करते हैं डायरेक्टली एयरलाइन के वेबसाइट से, उनके लिए ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है एक्सिस मैग्नास क्रेडिट कार्ड वर्सन 2। मैंने इस कार्ड को क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये कार्ड तो बहुत पहले से है और आज हम लोग बात कर रहे हैं 2022 में लॉन्च होने वाला कार्ड के बारे में। तो ये कार्ड मैंने ऐड किया है क्योंकि 2022 के फरवरी में जो चेंजेस इस कार्ड में हुआ है, जो बेनिफिट इस कार्ड में ऐड हुआ है, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये कार्ड रीलॉन्च हुआ है और ये कार्ड अभी आपको मेटल वेरिएंट में भी मिलता है। तो इसीलिए मैंने इस कार्ड को ऐड किया है, क्योंकि ये कार्ड में जो चेंजेस हुआ है ना, उसके बाद ये कार्ड बहुत ही वैल्यूएबल हो चुका है। तो मेरे ओपिनियन में इस कार्ड को भी 2022 के कार्ड के लिस्ट में ऐड करना मैंडेटरी था। तो इस कार्ड का एनुअल चार्जेस है 10,000 प्लस GST, और इस कार्ड को लेने के बाद, एनुअल चार्जेस देने के बाद, आपको 10,000 रुपीज का टाटा क्लिक का वाउचर मिल जाता है, या फिर वन वे एक फ्लाइट टिकट अप टू 10,000 रुपीज का आपको मिल जाता है। इस कार्ड को यूज करके आप वर्ल्ड वाइड अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस कर सकते हो। इंडिया में इस कार्ड के जो प्रायोरिटी पास होगा उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, इंडिया के बाहर भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता। इस कार्ड को यूज़ करके इंडिया के बाहर जो इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस होगा उसमें जो प्रायोरिटी पास आप यूज़ करेंगे उसमें आपको अप टू 8 पर ईयर गेस्ट एक्सेस बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विस आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट में अप टू 8 पर ईयर बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। बुक माई शो में बाई वन गेट वन फ्री का ऑफर मिल जाता है, 5 times आप एक महीने में यूज कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट 500 रुपीज पर टिकट आपको मिल जाएगा। इस कार्ड के जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसके बारे में बात करें तो नॉर्मल स्पेंडिंग के लिए जो गिफ्ट वाउचर है उसमें अगर आप रिडीम करेंगे इस कार्ड के पॉइंट को तो आपको 1.2% का वैल्यू बैक मिल जाता है, और उसी को अगर आप होटल या फिर एयर माइल्स में ट्रांसफर करेंगे तो 4.8% का वैल्यू बैक आपको एयर माइल में मिल जाएगा। इस कार्ड को यूज करके एक्सिस ट्रैवल एज पोर्टल से अगर आप बुकिंग करते हो तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, मतलब गिफ्ट वाउचर में रिवॉर्ड रेट होगा 6% का। एयर माइल्स और होटल पॉइंट्स में ट्रांसफर अगर आप करेंगे तो उसमें 24% का वैल्यू बैक आपको मिल सकता है। और इस कार्ड पे जो मेन बेनिफिट है वो है मंथली माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप इस कार्ड को यूज करके एक कैलेंडर मंथ में 1 lakh स्पेंड करते हो तो आपको 25,000 बोनस एज पॉइंट मिलते हैं, जिसका वैल्यू बैक होता है एयर माइल्स में 20% का और गिफ्ट वाउचर में 5% का। और इस कार्ड को यूज करके अगर आप एक साल में 15 lakh या फिर उसके ऊपर स्पेंड करते हो तो आपको जो नेक्स्ट ईयर का एनुअल चार्जेस है वो रिवर्सल मिल जाता है। इस कार्ड में और भी बहुत सारे बेनिफिट है, उसको जानने के लिए इस कार्ड का जो डिटेल वीडियो है वो आप देख सकते हो। मेरे ओपिनियन में अगर आप एयर माइल्स कलेक्ट करना चाहते हो, फ्री में ट्रैवल करना चाहते हो, तो मैग्नास क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। आपको मैग्नास कार्ड तो लेना ही चाहिए। आज के डेट में अगर हम इन्फिनिया और मैग्नास कार्ड को कंपेयर करें तो एयर माइल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो मैग्नास कार्ड इन्फिनिया से बहुत आगे है। दोस्तों 2022 में बहुत सारे कार्ड लॉन्च हुआ है, उसमें से कुछ कार्ड बहुत ही बेकार था, कुछ कार्ड बहुत ही अच्छे हैं। तो 2022 में जो कार्ड लॉन्च हुआ है उसमें से अगर हमें एक कार्ड को बेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड देना होगा तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज कार्ड डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए मेरे ओपिनियन में 3 बेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफ द ईयर 2022 हम लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए। तो मेरे ओपिनियन में जो सुपर प्रीमियम कार्ड सेक्शन में बेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड का विनर है वो है एक्सिस मैग्नास क्रेडिट कार्ड वर्जन 2। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि क्यों मैंने एक्सिस मैग्नास क्रेडिट कार्ड को 2022 के लिस्ट में रखा है, क्योंकि जो चेंजेस इसमें हुआ है, मेजर चेंजेस
टोटली कार्ड आपको न्यू ही दिखेगा। तो इसीलिए मैंने इस कार्ड को रखा है अभी, और ये कार्ड इन्फिनिया के भी आगे है आज के डेट में। और इंडिया में कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो कि इस कार्ड को अभी के लिए जो सुपर प्रीमियम कार्ड कैटेगरी है उसमें टक्कर दे सके। तो मेरे ओपिनियन में सुपर प्रीमियम कार्ड सेक्शन का जो अवार्ड है वो एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड को ही जाना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रीमियम कार्ड कैटेगरी। इस कैटेगरी में मेरे ओपिनियन में विनर है इंडसन बैंक इजी डाइनर क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, इसका जो डिस्काउंट रिवॉर्ड सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत यूजफुल है इनके कस्टमर के लिए। अगर आप इजी डाइनर बहुत यूज करते हो या फिर आपके लोकेशन पे इजी डाइनर का बहुत सारे पार्टनर है तो ये कार्ड आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है। तो ये कार्ड मेरे ओपिनियन में प्रीमियम कार्ड सेक्शन में बेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड का विनर है। नेक्स्ट कैटेगरी है नॉर्मल और एंट्री लेवल कार्ड कैटेगरी। इस कैटेगरी में कौन से कार्ड विनर है मेरे ओपिनियन में आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं होगा। SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड, नो डाउट कोई भी इसका कंपटीशन कोई कार्ड के साथ है ही नहीं। SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड बेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफ द ईयर 2022 का एंट्री लेवल और नॉर्मल कार्ड कैटेगरी में क्लियर विनर है। इसका कोई ओपोनेंट आपको दिखेगा ही नहीं। और मेरे ओपिनियन आपको कैसा लगा, आपके ओपिनियन में कौन से कार्ड को बेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड का विनर होना चाहिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आप। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।